नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना को चेक करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है? ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको शॉर्ट में जो यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट निकल सकता है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो डिटेल में इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको जो प्रमुख वित्त आयोग हुए हैं, जैसे 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद में बेसिक अनुदान के बारे में आपको डिटेल में जाना होगा। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो वीडियो लगभग 2-3 घंटे का होगा और जो पीडीएफ होगा वो आपका 20-25 पेज का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए 20-25 पेज को हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ कहानी भी हो जाएगी। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल सकती हैं उसको मैंने यहाँ पर रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। बाकी जो छात्र नए हैं, वीपीओ एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद में पंचायत का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लेना, जहाँ पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया हुआ है, ठीक है? देखिए, पेड बच्चे भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग पेड बैच लेना चाहते हो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। तो प्रदर्शन अनुदान योजना को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अनुदान क्या होता है। अनुदान दोस्तों ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो वित्त आयोग होता है और राज्य वित्त आयोग होता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही के कोष से बुनियादी अनुदान दिया जाता है, जो कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए लगाया जाता है, ठीक है? आप लोग समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि बुनियादी अनुदान किस बेसिस पर दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो बुनियादी अनुदान किन चीज़ पर निर्भर करता है, ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न अगर बनता है तो आप कहेंगे कि बुनियादी अनुदान या बेसिक अनुदान जनसंख्या और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जिसमें जो जनसंख्या का वेटेज होता है ये 90% होता है और जो क्षेत्रफल का वेटेज होता है ये 10% होता है। मतलब किसी ग्राम पंचायत में कोई अगर अनुदान आता है तो वो 90% जनसंख्या देखी जाती है यहाँ पर इस वेटेज के अकॉर्डिंग, और ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल देखा जाता है जिसका वेटेज 10% होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है? ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं बेसिक अनुदान कितने टाइप का होता है। एक्चुअल में बेसिक अनुदान ही बुनियादी अनुदान है। यह टाइप तो इसका एक ही होता है, लेकिन इस टाइप के आधार पर आपको एक एक्स्ट्रा अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम लोग प्रदर्शन अनुदान कहते हैं, ठीक है? तो बेसिक अनुदान के लिए जो फंड आया है उसका आपने कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है, मीन्स जो आपने धन प्राप्त किया, जो निधि आपने प्राप्त की उसको आपने कैसे खर्च किया, इसका डेटा आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना होगा। एक एक हिसाब बहुत एक्यूरेसी के साथ में आपको प्रिपेयर करना होता है। इसके बाद में जो राजस्व, जैसे जो किसी जो ग्राम पंचायत का जो निधि है, जो ग्राम निधि होता है, जो राजस्व संग्रह वगैरह होता है, इसमें आपको वृद्धि दिखानी होती है, मीन्स आपके यहाँ काम बढ़िया होना चाहिए। ग्राम पंचायत में विकास के लिए जो भी स्कीमें, जो भी फंड आता है, उसका जो क्रियान्वयन है ये बहुत अच्छे ढंग का होना चाहिए। और ये रिपोर्ट जब आप सॉफ्टवेयर पे अपलोड करेंगे, ई ग्राम पंचायत पोर्टल पर अपलोड करेंगे और आप दिखाएंगे कि आपने बेसिक अनुदान का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया हुआ है, तब वित्त आयोग के द्वारा आपको प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है। ये सारी चीजें जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है? अब ये किस पे निर्भर करता है, कोई भी ग्राम पंचायत प्रदर्शन अनुदान कैसे प्राप्त कर सकती है, इसको हम देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि प्रदर्शन अनुदान एक तरह से अतिरिक्त अनुदान है, ठीक है? तो आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि यह किस प्रकार का अनुदान है, तो ये भाषा का वहां पे खेला कर सकता है। तो आप बस इतना समझना कि प्रदर्शन अनुदान एक तरह का अतिरिक्त अनुदान है, ठीक है? देखिए, जो आपने अनुदान प्राप्त किया, मूल अनुदान या बेसिक अनुदान जो भी आपने प्राप्त किया है, उसका 80% आपको दिखाना है कि आपने बढ़िया से यूज किया हुआ है, ठीक है? ग्राम पंचायतों के लिए जो मूल अनुदान आया है उसका 80% आपको यूज करना है, और जो भी पैसा आपने यूज किया, जो भी कार्यकलाप आपने किया, उसकी सूची विश्वसनीय आंकड़े के साथ, प्रमाण के साथ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया। अगर ये मतलब ये सारी कंडीशंस हैं प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो ये पहला कंडीशन आपने समझा कि जो भी अनुदान आपको मिला बेसिक वाला, उसका 80% आप यूज करेंगे और उस 80% का जो डेटा है वो
वो बढ़िया से तैयार करेंगे। बच्चे पूछेंगे सर ये 20% का क्या हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि जो महत्वपूर्ण डेटा है वो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, इस 20% पर मत जाए। हो सकता है कि इस 20% की जो इस 20% का जो डेटा है वो एक पेज भर दे और वो इम्पोर्टेंट भी ना हो। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, उतना आप समझते चलें अभी के लिए। बाकी एग्ज़ाम जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि फाइल्स को एक बार अपडेट करूँगा, समय रहते हुए प्रत्येक फाइल को एक बार अपडेट किया जाएगा और इसकी सूचना आपको दी जाएगी, ठीक है। और ये फैसिलिटी सिर्फ पेड बच्चों को दिया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु तो उठाए गए कदम, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं ये अपने आप में काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। और इन टॉपिक को 5 से 6 पेज में खत्म करना सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फाइल्स को एक बार अपडेट जरूर किया जाएगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई टॉपिक छूट रहा है उसको आप लोग करा दीजिए, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ कि सारे सारे के सारे टॉपिक को कराया जाएगा, निश्चिंत रहें आप सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने पहले कंडीशन की बात की, हमने ये कहा कि 80% यूज होना चाहिए। अब किसी कंडीशन में आपने 60 ही% पैसा यूज किया, फंड यूज किया और काम आपका पूरा हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो क्या होता है, कहीं कहीं घोटाला हो जाता है, कहीं कहीं जो प्रदर्शन योजनाएं प्रदर्शन स्कीम्स और अनुदान आता है उस पर भी घोटाला देखने को मिलता है। लास्ट में मैंने इसकी चर्चा की हुई है कि बाराबंकी में किस तरह से प्रदर्शन अनुदान घोटाला हुआ था, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में देखेंगे, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि प्रदर्शन अनुदान का 60% यूज कर लेंगे, बाकी खा पी लेंगे और काम दिखा देंगे कि पूरा हो गया। तो ये ऐसा नहीं यहाँ पे होगा, जो भी पैसा आया है अगर उस पैसे के 60% में आपका काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया ठीक है, लेकिन जो काम करना था, जो गतिविधि आपको उस पैसे का करना था, वो गतिविधि आपका 100% सही होना चाहिए, ठीक है। वो गतिविधि आपका जो है वो काम आपका पूरा होना चाहिए और इसका प्रमाण आप प्रस्तुत करेंगे कि ठीक है 60% आपने पैसा खर्च किया है ठीक है, लेकिन काम आपका ओके होना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं, ठीक है। ये चीज है, अगर 80% का उपयोग नहीं किया है तो 80% गतिविधि पूरी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 100% आप मैंने बोला, लेकिन ध्यान रखना कि 80% गतिविधि फिर आपका पूरा होना चाहिए अगर आपने 80% पैसे का यूज नहीं किया है तो, ठीक है। ये समझ गए आप, नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लो। देखिए अगला पॉइंट है कि राजस्व संग्रह जो है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर से 5% इंक्रीज होना चाहिए। जो भी राजस्व संग्रह है आपके ग्राम पंचायत में, जो भी राजस्व संग्रह है वो 5% इंक्रीज हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो सॉफ्टवेयर पर अपलोड डेटा है वो प्रॉपर अपलोड होना चाहिए। और इसके बाद में अगर आपको 2014-15 में प्रदर्शन अनुदान योजना लेना है तो 2016-17 का आपको कंप्लीट खाका आपको देना होगा, ठीक है। पिछले वित्तीय वर्ष का आपको कंप्लीट डेटा आपको प्रोवाइड कराना होगा, लेखा परीक्षक के खाते में आपको चीजें देनी होंगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्राम पंचायतों को वित्त कहाँ से मिलता है, हम ये समझ लेते हैं फटाफट कि ग्राम पंचायतें जो होती हैं इनको पैसा कहाँ से मिलता है, इनको इनके फंड में पैसा कहाँ से आता है। तो ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता है वो स्वयं के राजस्व कर से मिलता है, जो ग्राम पंचायतें अपने यहाँ कर लगाती हैं उससे इनको पैसा मिलता है, इसके बाद में जो शुल्क लगाती हैं उससे इनको पैसा मिलता है। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि कर और शुल्क में अंतर क्या होता है, तो कर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जैसे टैक्स आप सभी लोग भरते हैं, आप सभी को पता होगा, कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उस पर टैक्स आप लोग देते हो, ठीक है। तो कर सभी को पता है। शुल्क दोस्तों जैसे कोई मेला लग रहा है और मेले के बाहर जब पर्ची कटती है ना, तो जब आप 10 रुपया देते हो तो वही होता है शुल्क, ठीक है। तो इन दोनों के माध्यम से ग्राम पंचायतें जो हैं वो अपना निधि जो है उसको बढ़ाती हैं। इसके बाद में और जो इनको अनुदान मिलता है, ये मैंने इस टॉपिक एक सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ग्राम पंचायतों को वित्त कहाँ से मिलता है, तो ये दो पॉइंट हमने देखा। इसके बाद में ग्राम पंचायतों में जो कचरे का खतरा होता है, ग्राम पंचायतों में आपको पता है कि यहाँ पे जैसे क्या होता है, लोग कूड़ा फेंक देते हैं तो ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो इस कूड़े के प्रबंधन के लिए भी फंड आता है केंद्र सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से, वहां पे इनको अनुदान दिया जाता है। इसके बाद में कोई ग्राम क्षेत्र है वहां पे अनुसूचित जाति या जनजाति ज्यादा आबादी में रह रही है तो उनके लिए भी फंड आता है। इसके बाद में मनरेगा फंड आता है। इसके बाद में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीम्स आई होती हैं
उनके निर्धारण के लिए निधियां, मतलब उनको लागू कराने के लिए भी फंड आता है। तो ये ग्राम पंचायत को यहाँ यहाँ से फंड और वित्तीय सहायता मिलता है, ये हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं 14वें वित्त आयोग के बारे में। जैसा कि हमको यहाँ पे जो केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है उसकी हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा कर लेते हैं 14वें वित्त आयोग की। ये केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 14वें वित्त आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 2015-16 में हुई थी। 14वां वित्त आयोग 2015-16 में शुरू किया गया था और इसका जो टाइम पीरियड था ये 2019-20 तक था, ये आप सभी लोग ध्यान रखना। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि दो तरह का अनुदान आता है, एक होता है बेसिक और एक होता है प्रदर्शन। तो बेसिक अनुदान जो 14वें वित्त आयोग के माध्यम से आया ये दो किस्तों में आया था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके प्रदर्शन के आधार पर, इसको आपके यूटिलाइजेशन के आधार पर प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है कि प्रदर्शन अनुदान किसके माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, या किसके माध्यम से ये अनुदान आपको दिया जाता है। तो ये दोस्तों ISGPP के माध्यम से दिया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग ऑफ ग्राम पंचायत प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग ग्राम पंचायत प्रोग्राम। ठीक है, ये ग्राम पंचायत हो गया और ये लास्ट में प्रोग्राम हो गया। अब इसके द्वारा जितनी बार आएगा, जैसे प्रोग्राम 1 हो गया, प्रोग्राम 2 हो गया, प्रोग्राम 3 हो गया, ऐसे ऐसे करके, मतलब बार बार जो है ये प्रोग्राम बदलता रहता है। तो 14वां वित्त आयोग में प्रोग्राम 2 के माध्यम से यहाँ पे वित्तीय अनुदान दिया गया था। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रदर्शन अनुदान आपको साल में कई बार दिया जाता है, ये साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको सिर्फ एक बार केंद्रीय अनुदान मिलता है, प्रदर्शन अनुदान मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस अनुदान का मैक्सिमम 10% तकनीकी सहायता के लिए यूज किया जाता है, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता के लिए यूज किया जाता है। जैसे टेक्निकल जो मैटर है, किसी ग्राम पंचायत में जो पोर्टल है उसका, जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने में जो भी खर्चा वर्चा आता है, तो उसका 10% वहां पे लगाया जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शन अनुदान योजना में कोई भी पर्सनल खर्चा आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो ये फिर आपके खिलाफ जो है कार्यवाही की जा सकती है। ये सारी चीजें आप समझ गए, 14वें वित्त आयोग के माध्यम से ये सारी चीजें आपको बताई गई, ये चीज उसमें लिखा गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 14वें वित्त आयोग के माध्यम से आपको याद करना है। अब ये देख लेते हैं कि 14वें वित्त के तहत बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट से जो कार्य किए गए हैं वो कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्य दोस्तों वही होते हैं जैसा कि आपको बताया गया, बेसिक ग्रांट है तो बेसिक कार्य भी होगा, जैसे सड़कों का रख रखाव हो गया, इसके बाद में जो आपके यहाँ श्मशान होता है, कब्रिस्तान होता है, इसका रख रखाव हो गया, सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट प्रकाश की व्यवस्था किया जाता है, इसके बाद में स्वच्छता सहित जो है, जो वहाँ पे तरल पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं उसके प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है, इसके बाद में जो वहाँ पे बढ़िया पेयजल यानी कि पीने का पानी बढ़िया प्रोवाइड कराया जाता है, इसके बाद में जो जल निकासी व्यवस्था है इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि यहाँ पे प्रॉपर जल निकासी हो। तो ये सब 14वें वित्त आयोग के माध्यम से जो प्रमुख कार्य हैं उसका मैंने यहाँ पे उल्लेख किया। वैसे कार्य और भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, लेकिन सबका उल्लेख करना उतना उचित नहीं है, बेसिक बात है तो बेसिक यहाँ पे जो कार्य होने चाहिए उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने हेतु योग्यता। तो इसके पहले भी हमने इसको देखा है, लेकिन मोटी मोटा यहाँ पर भी देख लेते हैं कि प्रदर्शन अनुदान अगर आपको प्राप्त करना है तो क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की सुविधा है ये होना चाहिए, आपके ग्राम पंचायत में जो फंड आएगा फंड जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो लेखा खाता होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015-16 में अगर आपको फंड प्राप्त करना है तो इसके पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका जो लेखा होगा, उसका जो खाता होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अगर आपको इस साल प्राप्त करना है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपको चीजें प्राप्त करनी है, मतलब अनुदान फंड प्राप्त करना है, तो पिछले जो भी लेखा आप दिखा रहे हो पिछला वाला वो 2 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो लेखा खाता है वो 2 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में लेखा खाते का जो परीक्षण कराया जाएगा, जो लेखा खाता आप प्रोवाइड करा रहे हो इसको चेक कौन करेगा, तो इसको चेक दोस्तों राज्य के जो ऑडिटर जनरल होंगे वो चेक करेंगे। राज्य के
जो ऑडिटर जनरल होते हैं वो इसको चेक करेंगे, इसके बाद में ऑडिट डायरेक्टर भी इसको चेक कर सकते हैं, या फिर किसी किसी केस में राज्य वित्त आयोग में जो रजिस्टर्ड सीए होते हैं वो भी आपके द्वारा प्रोवाइड कराए गए लेखा खाता को चेक करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ जो ग्राम सभा है, जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा क्या होती है, एक तरह से विधायिका होती है, तो ग्राम सभा आपके यहाँ एक तरह से सामाजिक अंकेक्षण करेगा। भाई मूल अनुदान आपके लिए आया, बेसिक ग्रांट आपके लिए आया, तो उस बेसिक ग्रांट का आपने अच्छे से यूटिलाइज किया कि नहीं किया है, उस फंड को, उस फंड के द्वारा आपने काम किया है कि नहीं किया है। जैसे मानते हैं कि ओपन, खुले में शौच मुक्त के लिए आपके पास फंड आया, तो क्या ग्राम पंचायत में खुला से, खुले में शौच मुक्त, ODF बोलते हैं इसको ना, क्या ये ODF मतलब क्या बोलते हैं, खुले से शौच मुक्त ये हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर भवन निर्माण के लिए आया, जैसे स्कूल के मेंटेनेंस के लिए आया है, पंचायत पंचायत भवन के लिए निर्माण के लिए आया है, तो ये सारी चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये ग्राम सभा के माध्यम से भी एक तरह से अंकेक्षण किया जाएगा, एक बार चेक किया जाएगा। और ये जो ग्राम सभा होती है वो चेक करेगी कि आपने जो पैसे का यूज किया हुआ है उसमें कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ है। तो एक तरह से ग्राम सभा का भी यहाँ पे इसका इसके इसके भी अंकेक्षण को, इसके भी अंकेक्षण डेटा को उस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो राजस्व वृद्धि है ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो फंड है, आपका जो राजस्व है ग्राम पंचायत का, उसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, और इसके बाद में आपने नई संपत्तियों का अधिग्रहण किया हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए योग्यता नहीं है या है, तो जब आपको पता होगा कि राजस्व में 5% की वृद्धि, नई परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, सामाजिक अंकेक्षण, इसके बाद में राज्य के ऑडिटर जनरल या रजिस्टर्ड सीए के द्वारा जो डेटा तैयार किया जाएगा वो, इसके बाद में लेखा खाता 2 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से चीजें आपको प्रोवाइड करानी है, ये सब आपको जब पता होगा तो वहां पे आप छांट कर अपना आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वित्त आयोग अनुदान, केंद्र वित्त आयोग के द्वारा जो अनुदान आया है वो कितना आया है। तो 13वें वित्त आयोग की बात करते हैं और 14वें वित्त आयोग की बात करते हैं। इसके पहले 12वां, 11वां, 10वां में क्या हुआ उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय स्वशासनों के लिए जो अनुदान आया है इसको देख लेते हैं। तो ग्रामीण के लिए 13वें वित्त आयोग में 64,407.6 करोड़ रुपया अलॉट किया गया था। ध्यान अगर आप देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में रुपया ज्यादा आता है, फंड ज्यादा आता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, भारत में क्या है ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर हमें बुनियादी सेवाओं को अच्छे से लागू करना है, क्योंकि यहाँ पर चीजें हैं नहीं, सुविधा है नहीं, और शहरों में सुविधाएं ऑलरेडी हैं लेकिन उसको अपडेट करना है या कोई नई सुविधा आपको वहां पे लानी है। जैसे शहरों में लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक प्रॉपर है तो वहां पर लाइट के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा फंड अलॉट किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। आगे चल के जब कोई ग्रामीण क्षेत्र शहर में बदल जाएगा तो उस ग्रामीण क्षेत्र का भी जो फंड है वो कम कर दिया जाएगा, उसका वेटेज जो है कम कर दिया जाएगा। अभी के लिए 60.5 समथिंग ग्रामीण क्षेत्र का वेटेज है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी कितना है एग्जैक्ट, तो आप लोग परेशान मत होना। तो यहाँ पर जो आपने फंड देखा ये क्या है, ये 13वें वित्त आयोग में 64,407.6 करोड़ है, और शहर के लिए, शहरी निकाय के लिए 23,111 रुपये आया है, और 14वें वित्त आयोग के माध्यम से ये 20,000, ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना रुपया आया है, 2,292,000, 292 करोड़ रुपया। तो ये करोड़ में है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये क्या है, ये करोड़ में है, ये 2 लाख रुपया नहीं आया है कि सिर्फ 2 लाख रुपया आया है, ये 2 लाख करोड़ रुपया बोला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में या कहीं डेसीमल तो नहीं लगा होगा, नहीं डेसीमल तो शायद नहीं लगा होगा, क्योंकि जब 64,013 में ही है तो 14वें में 2 लाख तक पहुंच सकता है। ठीक है, बाकी अगर डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, तो ये डेटा कम हो जाएगा, तो शायद ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि राज्य पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदर्शन अनुदान की जो अन्य शर्तें हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए अन्य शर्तों में क्या है, बेसिक शर्तें हैं कि कोई भी ये जो फंड है ये तभी अलॉट किया जाएगा जब आपके यहाँ ग्राम पंचायत जो है खुले से शौच मुक्त होगा। इसके बाद में जो सेक्टर वाइज डेवलपमेंट होता है, जैसे सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, जो शिक्षा
से रिलेटेड जो आपका सेक्टर है, ठीक है, इसके बाद में जो निर्माण से रिलेटेड सेक्टर है, जो योजनाओं से रिलेटेड सेक्टर है, उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में आपके ग्राम पंचायत में टीकाकरण कवरेज अच्छे से लागू होना चाहिए। ग्राम पंचायत में जो विकास योजनाएं आ रही हैं, इसको आपको अच्छे से लागू करना है। इसके बाद में स्वयं के राजस्व में वृद्धि दिखानी है। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। अब हम आते हैं, हमने 14वें वित्त आयोग की बात कर ली, अब हम आते हैं 15वें वित्त आयोग पे, ठीक है। देखिए, 15वें वित्त आयोग के द्वारा पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं, टोटल 90,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, ठीक है। कितना आवंटित किया गया था? 90,000 करोड़ रुपया। एक सेकंड, जरा मैं ये पुराना डेटा चेक कर लेता हूँ। ये जो 2 लाख है, 13वें वित्त आयोग में स्थानीय निकायों के लिए 2 लाख रुपये इतना आया था, 2 लाख, और कुल यहाँ पे 90,000 करोड़ आ रहा है। चलिए ठीक है, जो भी होगा इसको मैं चेक करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा अमाउंट कम लग रहा है ना, पूरे कुल सारे प्रदेशों के लिए 90,000 करोड़ थोड़ा कम लग रहा है। या तो 90,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए आया होगा टोटल, जिसमें ग्रामीण प्रदेश, ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है और शहरी निकाय हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर कुल 90,000 करोड़ रुपए की धनराशि सभी प्रदेशों के मध्य आवंटित की जानी है, जिसमें ग्रामीण निकायों के लिए इतना इतना इतना, ठीक है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि कंप्लीट प्रदेश की ही बात कर रहा है, ठीक है, सभी प्रदेशों के लिए यहाँ पर 90,000 करोड़ रुपया अलॉट हुआ, जिसमें 60,750 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए जो है, जो शेष रकम बचता है इसको हटाने के बाद में लगभग 29,000 समथिंग जाएगा, ठीक है, तो वो उतना शहरी क्षेत्र के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ जैसा भी होगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद में टाइड अनुदान होता है और अनटाइड अनुदान होता है। तो टाइड अनुदान किसको वो कहते हैं और अनटाइड किसको कहते हैं? तो टाइड का मतलब होता है जो बेसिक ग्रांट आपका आता है ना, यही होता है आपका टाइड अनुदान, ठीक है। जो बेसिक ग्रांट आपका आता है, इसी को हम टाइड अनुदान बोल देते हैं। ये मस्ट है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी जरूरी अनुदान है। और टाइड अनुदान में भी 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहले हम देख लेते हैं कि टाइड अनुदान का परसेंटेज कितना है। तो ये 60% है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में अनटाइड का जो वेटेज है 40% है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये 15वें वित्त आयोग की बात हो रही है, आप लोग समझ गए। इसके बाद में यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम देखते हैं कि जो अनुदान आया है, ये जो अनुदान आपने लिखा हुआ है इसे, ठीक है, तो ये अनुदान 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है टाइड और दूसरा है अनटाइड, ठीक है। अनटाइड का मतलब देखिए, टाइड का मतलब जो जरूरी है, जिसको तरीके से लागू करना है, ठीक है। जैसे आपको पानी मिलना चाहिए, वर्षा जल संचयन अच्छे से होना चाहिए, इसके बाद में जल पुनर्चक्रण आपके यहाँ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद में खुले में शौच मुक्त होना चाहिए, ये टाइड अनुदान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वेटेज की बात करते हैं, टाइड अनुदान जैसा कि आपको बताया गया कि 60% है, तो इसको फिर से जो है 30-30% में इसको बांटा गया है, जिसमें पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और इसके बाद में जल पुनर्चक्रण, इसका जो वेटेज है 30% है, और 30% अकेले खुले में शौच मुक्त के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो टाइड अनुदान में 30-30% को 30-30% में बांटा गया है, जिसमें खुले में शौच मुक्त जो है उसके लिए 30% अकेले है, बाकी का 30% पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए है। और टोटल टाइड परसेंट का जो वेटेज है ये 60% है। अब हम बात करते हैं अनटाइड का, तो अनटाइड का जो वेटेज है ये 40% है। और अनटाइड में क्या होता है, अनटाइड में किसके लिए ये पैसा आता है? तो 13वें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 29 विषय हैं, उन विषयों पर ये अनटाइड फंड खर्च किया जाता है, 40% खर्च किया जाता है, ठीक है। तो उन विषयों को आप लोग एक बार देख लेना। जैसे बेसिक की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे पंचायत भवन निर्माण या मरम्मत करने के लिए जो पैसा आता है, इसके बाद में टीकाकरण के लिए जो पैसा आता है, इसके बाद में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, नेटवर्क सुविधा यानी कि जो टेक्निकल मैटर होता है गांव क्षेत्र में, नेटवर्क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसके बाद में पुस्तकालय आदि के लिए खर्चा वर्चा जो आता है, ये सब क्या है? ये सब अनटाइड के माध्यम से होता है, और बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो टाइड के माध्यम से खर्च होती हैं, ठीक है। तो टाइड का 60% वेटेज है और अनटाइड का 40% है। यहाँ पर ध्यान देना,
इस ई बुक में मैंने 50-50 लगा रखा है। इसके पीछे कई कारण हैं, ठीक है। जो आपका ऑफिशियल एक पीडीएफ था उसमें 50-50 मुझे दिखा था एक जगह पे। अब ये जो ई बुक मैंने, ये जो कंटेंट है ये मैंने तैयार किया था 4-5 दिन के पहले, तो इसको मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। बाकी आप लोग से इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि टाइड और अनटाइड का वेटेज कितना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 60 और 40 की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कई वीडियो में मैंने यही देखा, ठीक है। तो आप लोग 60 और 40 ही मार्क करेंगे, बाकी जो भी होगा वो मैं मैसेज डाल दूंगा पेड ग्रुप में, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, ये 15वें वित्त आयोग की बात हो रही थी, कुल इतना रुपया आया और टाइड अनटाइड की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, ओके, तो यहाँ पर हम ई बुक पे आते हैं और ई बुक में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। देखिए, आपको कई जगह पे कई डेटा फंड से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। जैसे 15वें फंड के माध्यम से अगर हम सीधे 21 से लेकर 26 तक के विकास कार्यों की बात करते हैं तो वहां पर अमाउंट आपको दूसरा देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर हम 15वें वित्त आयोग के माध्यम से ही 20-21 के वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको अमाउंट दूसरा देखने को मिलेगा। तो इस चीज को लेके आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 15वें वित्त आयोग में दो जगह दो डेटा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि वो 21 से 26 तक की बात कर रहा है, ये 20-21 की बात कर रहा है, हो सकता है कहीं पे 21-22 की बात हो रही हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ये जो फंड वाला डेटा है ये आपको कई तरह से देखने को मिल सकता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि यहां पर आपको पढ़ने की ज़रूरत है और इस चीज़ को मैं बाद में अपडेट करूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जिन्होंने जो पेड बच्चे हैं वो इसको देख के आप लोग घबराना नहीं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा है और 20-21 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 90,000 करोड़ रुपया सभी प्रदेशों के लिए अलॉट किया गया है, ठीक है। तो सभी प्रदेशों के लिए 20-21 वित्तीय वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है, जिसमें ग्रामीण निकायों के लिए 20-21 के लिए 60,750 रुपये की धनराशि रखी गई है। बाकी जो धनराशि है वो 90 करोड़ में से इतना अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए गया है तो बाकी लगभग 29,000 लगभग ये जो है शहरी क्षेत्र के लिए जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसको सेपरेट कर लेना, देख लेना। इसके बाद में देखिए, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उपयुक्त धनराशि का 50% हिस्सा बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड होगा तथा शेष 50% जो है ये टाइड फंड होगा। तो यहाँ पर ये 20-21 के फंड की बात कर रहा है, ये 50-50 में बटेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको कहीं कहीं पे ये जो टाइड और अनटाइड का रेशियो 60-40 दिखेगा, तो इसको लेके आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 60-40 का जो ये रेशियो रखा जाता है ये टोटल रखा जाता है टाइड और अनटाइड का, लेकिन यहाँ पर अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर ये डेटा जो है ये 50-50 रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20-21 फाइनेंशियल ईयर में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त होने वाली कुल धनराशि 97,52 करोड़ है, ठीक है। स्थानीय निकायों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुल धनराशि जो है ये 57,52 करोड़ है, जिसमें बेसिक ग्रांट जो है ये अनटाइड रूप में 4,876 तथा बेसिक ग्रांट टाइड के रूप में 4,876, ये आप देख सकते हैं। तो वही 50-50 को 50-50 के अकॉर्डिंग जो है इसको बांटा गया है टाइड और अनटाइड के रूप में, तो यहाँ पे दो से जब आप डिवाइड करेंगे तो यही डेटा मिलेगा 4,876, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, 20-21 फाइनेंशियल ईयर में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ये डेटा है। अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में दोनों निकायों के लिए, ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए, आपको अलग डेटा देखने को मिले, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो बेसिक ग्रांट है, ये जो बेसिक ग्रांट आप देख रहे हो, ठीक है, जो बेसिक ग्रांट है इसकी यहाँ पर दो किस्तों के माध्यम से इसको दिया जाएगा। बेसिक ग्रांट को दो किस्तों के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं बेसिक ग्रांट जो एलोकेशन का 50% है दो किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त वित्त मंत्रालय रुपए इतना रुपए वित्त मंत्रालय द्वारा 2,438 रुपए है, ठीक है। तो टाइड की बात कर रहा है, तो टाइड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 4,876 है। तो अगर यहाँ पर दो से आप डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा, ठीक है, मतलब 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 8 16, 2,438 करोड़ रुपए, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये 50-50 के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ये पहली किस्त है, 2,438 करोड़ रुपए दी जानी है, ठीक है। टाइड किस्त जो है ये 2,438 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आपको कई जगह पे कई तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लगा रखा है, बाकी और जो कुछ रह जाता है उसको बाद में आपको दिया जाएगा, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ई बुक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। हर एक व्यक्ति का, हर एक
कंटेंट रिसर्चर का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो किसी का देख के आप लोग तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि वो 20-21 की बात ना करके 22-23 की बात कर रहा हो, या 21-26 की बात कर रहा हो, वो सिर्फ स्थानीय निकाय की बात कर रहा हो, मैं सारे निकाय की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर शायद हैंग हो रहा है एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अनुपात है, जो अनुपात बांटा गया है शहर और ग्रामीण का, वो 67, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग याद रखना, ये 67.5:35, 32.5 रखा गया है ग्राम और शहर के लिए। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना, ये ग्राम और शहर का जो अनुपात है ये इतना रखा गया है। कुल 90,000 करोड़ रुपया आया है। ठीक है, कुल जो है ये 90,000 करोड़ रुपया आया है 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, और इसका जो अनुपात रखा गया है ये 67.5, ये टोटल की बात कर रहा है। ठीक है, यूपी की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल की बात कर रहा है। यहाँ पे 67.5 से 32.5 रखा गया है, कुल इतना रुपया आया है, और इस अनुपात को धीरे धीरे यहाँ पे इसको घटा के इसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र को जब धीरे धीरे नगर पंचायत में कन्वर्ट किया जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, तो फिर इसको जब शहर में बदल दिया जाएगा तो इसका जो अनुपात है वो घट जाएगा और इसका जो अनुपात है ये बढ़ जाएगा। बाकी जहाँ पे फिर अगेन ग्रामीण क्षेत्र रह जाएगा वहाँ पे फिर इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र का कम आएगा और शहरी क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा आएगा और शहरी क्षेत्र का कम आएगा, तो इसको आप लोग देख लेना। इसका जो अनुपातिक रेशियो चेंज करने का टारगेट है ये 2025 से 2026 तक का है, जिसमें इसको 35:65 करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये 67.5 32.5 को ये कम करके इसको जो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए अब ये जो प्रदर्शन अनुदान है इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए, आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं डीपीआरओ संबंधित एडीओ पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण और अभिलेखों व साक्ष्यों का परीक्षण करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति। देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जब ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए, तो जो संबंधित डीपीआरओ या एडीओ पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा, और इस परीक्षण के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है, और समिति जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगी। इसके बाद में समिति में सीडीओ अध्यक्ष, डीएम की ओर से नामित एसडीएम, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नामित लेखा व वित्त विभाग के अधिकारी, सचिव जिला पंचायत, मतलब ये सारे जो है अधिकारी इस समिति में रहेंगे, और जो आवेदन आया है ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने के लिए उसकी ये लोग जांच करेंगे। अब जांच में अगर इन लोग, अगर फ्रॉड होता है, किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो ये जो जितने जितने समिति में लोग थे, इसका मतलब सभी लोग जिम्मेदार हैं, मतलब ये कार्य जो है सही से संपन्न नहीं कराया गया है, इसको अच्छे से जांचा नहीं गया है, तो अगर कोई गड़बड़ी होती है तो यहाँ पे ये सभी लोग नप जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ पंचायत अनुदान घोटाला का, जिसमें ये बाराबंकी का केस है, 14वें वित्त आयोग में हुआ था। 14वें वित्त आयोग के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले की जांच सतर्कता अनुभाग ने पूरी कर ली। ये एक न्यूज की कटिंग थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इतना चीज़ें पढ़ी तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। देखिए दिखाने के लिए कुछ और होता है, होता कुछ और है, हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वें वित्त आयोग के माध्यम से एक जांच विभाग था, उसने बाराबंकी में इस घोटाले में यूपी के 31 जिले शामिल हैं, जिसमें बाराबंकी भी है, तो 31 जिला, लेकिन यहाँ पे बाराबंकी की हम चर्चा करते हैं। जिले की 46 ग्राम पंचायतों में 14.21 करोड़ रुपए गबन के दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए सतर्कता अनुभाग के अनुभाग सचिव अमिताभ श्रीवास्तव ने शासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नवंबर 2016 को सतर्कता के निरीक्षक अनिल कुमार यादव ने 16-17 के तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये लोग जांच करते हैं, समिति बनाई जाती है जिसमें एसडीओ, डीएम, अपर जो भी चीजें होते हैं ये सब लोग रहते हैं वहां पे, तो अगर कुछ घोटाला होता है तो यहाँ पर ये जो संबंधित लोग हैं ये जवाबदेही होंगे। तो तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्रका प्रसाद, संबंधित सहायक विकास अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और सचिवों पर जालसाजी और भ्रष्टाचार की कुल 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कद्दू कटेगा तो भैया सब में बटेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो प्रधान है वही पकड़ा जाएगा, तो सब में बटेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इस वीडियो को हमको यहाँ पे समअप करना है, और ये
जो क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताई जानी रह गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं वित्त आयोग द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ अनुदान आया है, जिसमें 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां अनुदान के बारे में बात की गई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग देख लेना, ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय के लिए जो अनुदान आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोग ई बुक प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है। इसके बाद में हम लोग ग्राम पंचायत विकास योजना के चैप्टर पर बात करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।